गाड़ी की एक लॉन्ग ड्राइव हो जाए। लॉन्ग ड्राइव इन लोगों के साथ शरारत नहीं करेंगे आज। कार डिनर था वो भी बहुत अच्छा। ये अगली गाड़ी ने जो ऑर्डर दिया वो दोबारा से दे दे। वो भाई वॉलेट किधर है? वॉलेट ही नहीं है हमारे पास। मेरा फोन किधर है? एक वॉलेट गया, दूसरा फोन गया। इस जबरदस्त मौसम में अगर गाड़ी की एक लॉन्ग ड्राइव हो जाए और उसमें प्रॉपर्टी से रिलेटेड हमें इंफॉर्मेशन मिल जाए तो कैसा है सर? चलो तो फिर आप हमें टाइम दे रहे हैं थोड़ा सा आज। यार लॉन्ग ड्राइव इन लोगों के साथ नहीं, शरारत नहीं करेंगे आज। चलते हैं। निशान कहाँ का इंफॉर्मेशन देनी है? ब्लू एरिया ही करते हैं, जहाँ हमारा ऑफिस है। ये चाह रहा है कि हमें लॉन्ग ड्राइव जो है वो खाली आधे किलोमीटर की करनी पड़े। क्या हालात ठीक नहीं है ना? पेट्रोल पेट्रोल आए आपको वीलॉग पे लेके चलते हैं। अब तो आप ही शामिल हो गए। देख लो यार, मैंने एक दो देखे हैं बॉस के और बहुत अच्छा लगा है। भाई इतने वीलॉग बना बना हमारी तबाही निकल गई है। गाड़ी का पेट्रोल जला जला के कैमरे ले लेके आपने खाली दो वीलॉग देखे? नहीं नहीं, मैंने काफी सारे देखे और मुझे सारे आपके वीलॉग बहुत अच्छे लगे। लास्ट टाइम जो बॉस के साथ जो आप लोगों की उन्होंने अवतार डिनर था वो भी बहुत अच्छा। यार वो वीलॉग नहीं था। नहीं नहीं, वीलॉग नहीं था। मोहसिन भाई से आपको जो है ना ऐसी इन्फॉर्मेशन चले। भाई आप लोग भी पहुंचे, मैं भाग के जाऊंगा। मेरे लिए दरवाजा खोल के रखी। ओके जी, भागे जी भागे, हम तो भाग के जाएंगे इससे पहले कि मोबाइल पे पानी पड़ जाए। अस्सलाम वालेकुम। तो हाँ यार, मौसम बड़ा ज़बरदस्त था। बॉयज़ ने कहा है कि यार लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं। पहली बिल्डिंग इस्लामाबाद में जो हाई राइज बनी थी ना, वो बनी थी, एक ये बनी थी स्टेट लाइफ बिल्डिंग और दूसरी बनी थी OGDCL टावर। ये वाली है ना OGDCL टावर के तुम्हारे राइट पे जो है। अच्छा, ये ये जो ब्लू एरिया का तुम्हें पता है कि इसको ब्लू एरिया क्यों कहते हैं? आलियान हाँ सुना था कि यहाँ जी जी कुछ ब्लूइश टाइप नहीं नहीं, इन्होंने बेसिकली ब्लू एरिया जो बना था, ब्लू एरिया बना था विद द थीम के इधर जितनी भी बिल्डिंग्स होंगी ना वो ब्लू कलर की होंगी। तो अगर हम लोग मूव कर रहे होते हैं टूवर्ड्स F10 की तरफ, अगर हम लोग जा रहे होते हैं या मोटरवे की तरफ हम लोग जा रहे होते हैं, तो आपके राइट साइड पे सारी जो हैं वो हाई राइज बिल्डिंग्स हैं। आपके राइट साइड पे सारी हाई राइज बिल्डिंग्स हैं और आपकी लेफ्ट साइड पे सारी जो हैं वो ग्राउंड प्लस 5 के अप्रूवल, इससे ऊपर आप लोग नहीं जा सकते हैं। ऐसे ही है। और ये अब जो न्यू ब्लू एरिया है जो बेसिकली सेंटोरस से स्टार्ट हो रहा है, न्यू ब्लू एरिया जो है ना, ये तुम लोगों को पता है ना कि न्यू ब्लू एरिया कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? जी सर, न्यू ब्लू एरिया स्टार्ट हो रहा है आपका पिम्स के बाद स्टार्ट हो रहा है। तो दे हैव अलाउड, अभी CDA ने अलाउ कर दिया है कि ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ ब्लू एरिया भी जो है वो हाई राइज बिल्डिंग्स कर देंगे। हाँ, अभी ये बड़ा अच्छा बैरियर टावर खत्म कम्प्लीट हो चुका है। फिर ये NIC की बिल्डिंग है जिसमें SECP है, स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग है, ये सारी चीज़ें हैं। तुम लोग भी कुछ पूछो ना, मैं फटे ढोल की तरह मैं ही शुरू हो जाता हूँ। हैंड ब्रेक है फेल। सेंटोरस, हाँ सेंटोरस, ये इसकी क्या हिस्ट्री है, ये कब बना था कब नहीं बना? यार सेंटोरस की, सेंटोरस की जो सेंटोरस जब स्टार्ट हुई थी ना कंस्ट्रक्शन, वो स्टार्ट हुई थी 2006 में। 2006 में सेंटोरस बनना शुरू हुआ था और इसके जो फ्लोर्स हैं सेंटोरस के तकरीबन मेरे अंदाजे में कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल ये 23 फ्लोर्स के ऊपर बना हुआ है। और इसकी कंस्ट्रक्शन जो है वो ख़त्म हुई थी 2015 में। देख यार इसको भी देखो, अब 9 साल हो गए हैं बने कंप्लीट हुए हुए। और तुम्हें पता है कि सेंटोरस में दुकान और कमर्शियल स्पेस कितने की, अपार्टमेंट कितने का मिलता था? किस्तों के ऊपर 60 लाख रुपए का अपार्टमेंट मिलता था। 60 लाख का, 60 लाख का किस्तों पे 7 लाख रुपए का अपार्टमेंट मिलता था। इधर कोई आके ख़रीदना नहीं होता था। यही तो यार बात होती है ना, अब न्यू ब्लू एरिया का मैं यही बता रहा हूँ। यहाँ पे अपार्टमेंट था वो खिड़की बंद कर दे यार। सेंटोरस में 60 लाख रुपए का अपार्टमेंट होता था और अभी सेंटोरस का जो एक अपार्टमेंट है ना वो आपको 10 करोड़ रुपए में भी नहीं मिलता। इमेजिन आलियान, तुम कल मल्टीप्लायर का पूछ रहे थे ना? जी जी, इसका मल्टीप्लायर लगा लो भाई 9 साल में
10 टाइम्स आपकी प्राइस, 10 टाइम्स से भी ज्यादा, 60 लाख रुपए का अपार्टमेंट जो है वो 9 करोड़ रुपए का हुआ है, इट्स मोर देन 10 टाइम्स की आपकी गेन आया है ऐसे और 9 साल में देख लो तो एक साल का आपका 100% गेन बनता है। यार न्यू ब्लू एरिया जो है ये इमरान खान ने बेसिकली लॉन्च किया था एंड ये लॉन्च हुआ था 2020 में, आज से 4 साल पहले ये प्लॉट्स सीडीए ने ऑक्शन किए थे और यहाँ पे जो ऑक्शन थी वो 25% डाउन पेमेंट के ऊपर कमर्शियल प्लॉट्स की ऑक्शन स्टार्ट हुई थी। मतलब आपका अगर सीडीए की ऑक्शन का ये होता है कि वो एक ओपन बोली जिसको कहते हैं ना, वो बेसिकली ओपन बोली कर रहे होते हैं तो उसमें ये सारे प्लॉट्स बिके थे। अच्छा ये तुम यहाँ से देखो कि सीडीए में जब सेंटोरस एक वाहिद कमर्शियल प्रोजेक्ट आया था 2006 में जो कि हाई राइज बिल्डिंग थी और जिस पे लोगों ने 10-10 गुना ज़्यादा पैसे बनाए हैं, मतलब जिसने 60 लाख लगाया था वो अब 8-9 करोड़ रुपये का अपार्टमेंट जो है वो बेच रहे हैं, इसी तरह अभी जो गोइंग फॉरवर्ड ट्रेंड आ रहा है वो आ रहा है न्यू ब्लू एरिया का। यहाँ पे मैं आज ये वाली बात कहता हूँ, 2024 चल रहा है ना, ये आपको 2028 में, जैसे अभी सेंटोरस में आपको कोई चीज़ मिलती नहीं है, आपको दुकान नहीं मिलती है, आपको अपार्टमेंट नहीं मिलता है, तो न्यू ब्लू एरिया इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट इन थिंग फॉर इस्लामाबाद। उसकी रीजनिंग ये है कि जो आपका ओल्ड ब्लू एरिया है ना वहाँ पे पार्किंग के बड़े इश्यूज आ रहे हैं, तो इन जितने भी प्लॉट्स हैं अब ये पूरा क्लस्टर बन चुका है, ये 4 साल हुए हैं ना इसको, 2020 में ये लॉन्च हुआ था, इमरान खान ने ये लॉन्च किया था, ठीक है, और ये न्यू ब्लू एरिया जो है ये पूरा क्लस्टर इस टाइम पे बन चुका है, मतलब ग्रे स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन। लोग कहते हैं कि जी फ्रॉड होता है कि लोग बनाते नहीं है, तो यार ये जो जिन्होंने बनाया है ये किसने बनाया, ये पूरा क्लस्टर बन चुका है, ये अभी तुम्हारे सामने ये इस टाइम पे 10 बिल्डिंग्स खड़ी नहीं है, आई थिंक ये इससे भी ज्यादा होंगी, कंस्ट्रक्शन काफी तेज है ना। एंड सर मेरे ख्याल से कि जिन लोगों ने 2010 में अगर सेंटोरस वाली अपॉर्चुनिटी छोड़ी है आज उनके पास ये बड़ी अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है। दिस इज द हॉट सेलिंग केक ऑफ इस्लामाबाद, मैं आपको बता रहा हूँ, इधर तुम सोचो 4 साल, कहते हैं जी कमर्शियल प्रोजेक्ट 4 साल में कंप्लीट नहीं होता, 5-5 साल लग जाते हैं, 2020 में तो इनकी ऑक्शन हुई थी सर, इसमें से कितने प्रोजेक्ट ऐसे जो 2-2.5 साल हमारे सामने बने, अभी 2-2.5 सालों में खड़े हुए हैं टावर्स जो हैं, ये जिसमें टिम हॉर्टन्स है, एग्जैक्टली ठीक है, ये वाले टावर्स तो अभी बने हैं, बिल्कुल ऐसे लाइक राइट इन फ्रंट ऑफ अस, बिल्कुल ऐसे ही जब हम लोगों ने ऑफिस खोला था 2022 में इधर कुछ भी नहीं था, अभी 2024 देख लो इन्होंने कंप्लीट कर दिया, एंड पाकिस्तान हैज सीन द वर्स्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड इन द लास्ट 2 इयर्स। आपको पता है आपकी इन्फ्लेशन कितने परसेंट इंक्रीज हुई है इन टर्म्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, एग्जैक्टली कंस्ट्रक्शन प्राइस आपकी 80% इंक्रीज हुई है। तो सर वैसे आप क्या कहते हैं कि यहाँ इन ये जो भी जिन एरियाज का या जिन बिल्डिंग का हमने जिक्र किया कि यहाँ पे वाकई 8-9 करोड़, 7 करोड़ में मिल सकता है, जो लोग दुबई का सोच रहे हैं या लोगों के कहने पे दुबई जाके इन्वेस्टमेंट का कह रहे हैं कि यार यहाँ पे मिल सकता है कुछ अपार्टमेंट या कोई चीज अपार्टमेंट है भाई, इजिली मिल सकता है, जितने चाहिए मैं लेके देता हूँ। तो सर ये कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मेन हब में आप लें और मेरे ख्याल से यहाँ पे रेंटल भी बहुत अच्छा होना है, बहुत जबरदस्त है यहाँ का रेंटल हर चीज। पता क्या होती है? जी लोग जो झूठी खबरें पहचान देने वाले होते हैं ना, वो आपको रियलिटी कभी भी नहीं बता रहे होते, एग्जैक्टली ठीक है, तो रियलिटी जो होती है ना वो आपने देनी होती है विद द नंबर्स, बिल्कुल आप अपने नंबर्स जो है वो दुरुस्त कर लें। मुझे बताओ कि जिस बंदे ने सेंटोरस में आज से 5 साल पहले अपार्टमेंट लिया था, मैं तुम्हें सेंटोरस में आज से 5 साल पहले अपार्टमेंट की कीमत बता देता हूँ, 3-4 करोड़ रुपए का अपार्टमेंट होता था, कहते थे यार बड़ा महंगा हो गया अपार्टमेंट, आज वो अपार्टमेंट क्या वो बंदा बेचने के लिए जा रहा है तो वो 1.5 करोड़ का बिक रहा है? नहीं, वो अपार्टमेंट 9 करोड़ का बिक रहा है, ऐसे ही आप गेन लगा लो पिछले 5 साल का, ऐसे ही। चलें सर एक काम करते हैं, गपशप तो होगी, कोई थोड़ी सी पेट पूजा भी करा दो, पेट पूजा तो करा देते हैं, लेकिन ऑर्डर वही होगा कि अगले वाले ने क्या ऑर्डर दिया, अगले ने बेशक पानी ऑर्डर किया तो उस पे गुजारा करना पड़ेगा, सारों ने वही खाना, 4 बंदे छोटी बोतल पी रहे होंगे पानी की, वही ना, नहीं ठीक है सर, चैलेंज है, चैलेंज करते हैं, चैलेंज है, अगर चैलेंज एक्सेप्ट करना है तो एक्सेप्ट करो, अदरवाइज कहीं जाके खाना है तो फिर मजा नहीं आएगा। तो ब्लू एरिया बेसिकली ब्लू एरिया का जो स्ट्रेच है ये स्टार्ट होता है फ्रॉम F10
एंड इट गोज ऑल द वे टू द पार्लियामेंट ठीक है. एंड ब्लू एरिया पाकिस्तान के कैपिटल का सबसे सबसे प्राइम पाकिस्तान की अगर आप प्रॉपर्टी कहते हैं ना तो दिस इज द मोस्ट प्राइम प्रॉपर्टी ऑफ पाकिस्तान में कह सकता हूँ क्योंकि आपका कैपिटल है और कैपिटल का जो सेंटर हब है दैट इज ब्लू एरिया. मैं ठीक है बाकी शहरों में रियल इस्टेट की जो कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ हैं लाहौर के बीच में बड़ी एक्सपेंसिव प्रॉपर्टीज़ हैं. आप एम एम आलम रोड के ऊपर चले जाएं बहुत बहुत महंगी महंगी प्रॉपर्टीज़ हैं. आप गुलबर्ग मेन बुलेवार्ड पे चले जाएं गुलबर्ग जो है उधर बड़ी महंगी महंगी प्रॉपर्टीज़ हैं. बट जितना मैं सेक्टर वाइज भी बता देता हूँ टेलकोज जितनी है पाकिस्तान में जोंग यू फोन मोबलिंग दे आर बेस्ड इन इस्लामाबाद. तो आपका फर्टिलाइजर सेक्टर जितना है वो पाकिस्तान का एफएफसी की ये देखो कसम खुदा की यार इधर ट्रैफिक में यार वो फुल स्पीड में जा रहे वन वे के ऊपर मेन जिना एवेन्यू पे. अच्छा तो अगर अगर सेक्टर वाइज भी हम लोग बात करें कि मोबलिंग का ऑफिस देख लें जोंग का ऑफिस देख लें यूफोन का ऑफिस देख लें पीटीसीएल का ऑफिस देख लें तो जितना भी टेलकोज हैं दे आर इस्लामाबाद बेस्ड. ओजीडीसीएल का ऑफिस इस्लामाबाद में है. तो वैसे ऑयल कंपनीज जो है ना उनके हेड ऑफिसेज का इतना इट डजंट मैटर क्योंकि ऑयल कंपनीज की ज़्यादा जो ऑफिसेज होते हैं वो उनकी रिग्स के ऊपर होते हैं. बट ओजीडीसीएल का ऑफिस इस्लामाबाद में है मेन जना एवेन्यू पे ही है. यार ये अभी हम लोग आ गए हैं ड्राइव थ्रू चैलेंज पे. ड्राइव थ्रू में जो अगली गाड़ी ने ऑर्डर दिया होगा हम लोग सिर्फ वही ऑर्डर कहेंगे लेकिन गुजारा हमने उसी में करना है मैं पहले बता रहा हूँ. उसके बाद तो नहीं कर रहा हम लोगों ने पहले कहा था कि जो अगली गाड़ी ऑर्डर प्लेस करेगी हम लोग वही वाला ऑर्डर देंगे. अगली से अगली है कोई वो भाई वो बड़ा लंबा ऑर्डर दे रहे हैं यार तू. मुझे नहीं लगता ये बहुत लंबा ऑर्डर है. लग रहे बच्चे अंदर हो इसे का हम पैसे देते हैं ऑर्डर लंबा कर भाई. नहीं भाई जो चैलेंज है वो चैलेंज मैं उनसे बात करके आ सकता हूं. नहीं आप बिल्कुल किसी आप किसी से भी बात नहीं करके आ सकते यार. ये तो बड़ा छोटा सा ये तो सिर्फ पेट्रोल डलवाने आया था. जी अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम मिटान. ये अगली गाड़ी ने जो ऑर्डर दिया है वो दोबारा से दे दें. ओके डबल चीज का मीडियम मीडियम स्टू स्पाइसी बस कंप्लीट है. 25, 10 next. ओ भाई दो बर्गर आ गए हैं बस दो पीसेस और एक बर्गर. यस दो पीसेस एक बर्गर थैंक यू. कुछ गुजारा हो जाएगा. लो भाई बर्गर खाने को मिल गया सुबह सुबह तुम लोगों को. वालेकुम अस्सलाम. और बताओ मैं खाऊंगा चिकन पीस. यार एक बर्गर है दो चिकन पीस है लड़ाई हो नहीं मैं उनके डब्बे खा लूंगा. तेरा रोजा नहीं था. हां रोजा भी था मेरा. एक और चैलेंज भी कर लेते हैं टॉस कर लेते हैं कौन कौन खाएगा. नहीं यार सारे मिलके खाएंगे हर बंदा हर चीज खाएगा. ऐसे ही है बिल्कुल. हाँ कहते हैं बिल भी उन्हीं को कह देते हैं. अस्सलाम वालेकुम. क्या ऑर्डर कितने पैसे हैं यार देख वॉलेट किधर है. वो भाई वॉलेट किधर है यार वॉलेट देख कहाँ पे है. लो जी वॉलेट ही नहीं है हमारे पास. ये शान के नंबर पे यार कब मेरा फोन किधर है. लो जी एक एक वॉलेट गया दूसरा फोन गया वॉलेट ही नहीं है पास. चलें फिर एक और चैलेंज करते हैं 200 रुपया इकट्ठा करते हैं सबसे. वो पैसे भी नहीं है दो 500 रुपये पड़े हैं मेरे पास. 500 भी नहीं पड़े हुए 100 कुछ पड़े हुए हैं. 150 रुपया यार ये क्या हैंड हो गया यार. सर इसमें वही बात है प्रोग्राम तो बढ़ गया. प्रोग्राम तो बिल्कुल. अब क्या करें बस सर जानते हैं नसीब में ही नहीं था. सुखे में जाएंगे बस उधर ही सर चलते हैं छोड़ते हैं बस. अब कहीं और से कुछ खा लेते हैं ना. अब ऑर्डर दे के ना भूख लगा दी इससे पहले भूख नहीं लगी थी मसला ये था. चलें चलो कहीं और जाके कुछ खा लेते हैं क्या मसला. पहले ऑफिस से वॉलेट ले लेते हैं ना. ठहर जाओ पहले यार इन्फॉर्मेशन तो पूरी करने देना. लो जी मैकडॉनल्ड्स ड्राइव थ्रू और पैसे ही नहीं है पास. असल में सर ऑफिस जाके नहीं नहीं ऐसी बात नहीं थी. हम असल में मैकडॉनल्ड है इसराइली. हमने इनको जान के इनके जाया करानी थी प्लीज खाने इनका जाया करें. नहीं खाना नहीं रिस्क नहीं जाया करवाना. ना आते तो अलग बात थी.
चलो किसी और ड्राइव थ्रू पे चले चलते हैं। सर ये जरा जो ब्लू एरिया में ये जो बिल्डिंग्स हैं जहाँ पे ऑफिस भी है हमारा, यहाँ पे क्या सिनेरियो था, ये कब लॉन्च हुए थे और क्या यहाँ पे रेट्स वगैरह क्या थे? ये बेसिकली जो है ना ओल्ड ब्लू एरिया, ये बना था 70s 80s की बात है ये। ठीक है ठीक है। यहाँ पे यार ये तो बहुत क्रेजी गेम्स हुए हैं ना, मतलब अगर एक प्लाजा जो है वो 40 लाख रुपए का या 1 करोड़ रुपए का आज से, लेकिन ऑब्वियसली इट वाज अ वेरी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। एक अगर बिल्डिंग जो है वो 40-50 लाख रुपए की किसी ने खरीदी थी तो इट्स वर्थ बिलियंस दीस डेज। ऐसे ही है ठीक है। तो वो तो इस तरह के रिटर्न्स है कि अब वो अनमैचेबल रिटर्न्स। अब तो मेरे ख्याल से रेंटल भी उस अमाउंट से ज्यादा वो ले रहा है, डबल ट्रिपल ले रहा है। अ डिसेंट रेंटल इन इस्लामाबाद इज 600 रुपीस पर स्क्वायर फीट। ये ओल्ड ब्लू एरिया, ये ओल्ड ब्लू एरिया की मैं बात बता रहा हूँ, आपको 600 रुपए पर स्क्वायर फीट के ऊपर रेंटल मिल रहा होता है। ठीक है, तो आपने अगर 1000 स्क्वायर फीट का ऑफिस लिया है तो 600 × 1000 कर दें तो आपको 6 लाख रुपए का रेंटल मिलता है। देखो जो मल्टीप्लायर है ना आपका रेंटल का और उस प्रॉपर्टी का वैल्यू का, वो बहुत ही सिंपल होता है। आपने जो आपका मंथली रेंटल है, आप मंथली रेंटल को मल्टीप्लाई बाय 200 कर लें तो यू विल गेट द प्राइस ऑफ द प्रॉपर्टी। तो अगर किसी प्रॉपर्टी का मंथली रेंटल जो है वो आ रहा है 6 लाख रुपए, तो 6 लाख को आप 200 पे मल्टीप्लाई कर दें तो वो प्रॉपर्टी आपकी 60 करोड़ रुपए की कितने की बनती है। मल्टीप्लाई करना जरा 6 लाख रुपए इंटू 200, 12 करोड़ की, 12 करोड़ की बनती है। तो आप ये देखें कि एक दुकान जो कि 1000 स्क्वायर फीट की है ठीक है, उसका 6 लाख रुपए रेंटल आ रहा है तो उसकी वर्थ इस 12 करोड़ पे। और बिकी कितने की होगी आलियान ये बताओ, 40 लाख रुपए की, 50 लाख रुपए की एक दुकान, एक दुकान की मैं बात कर रहा हूँ, 40-50 लाख रुपए की एक दुकान बिका करती थी जो कि आजकल 12-12 करोड़ रुपए की बिक रही है। ले जी हमारा साजो सामान वापस मिल गया, सो वी आर फुली फुली गियर्ड अप अगेन। अब हमारा व्लॉग दोबारा स्टार्ट होगा 2x पे। जो बेसिकली राइट सराउंडिंग में एक साइड पे एफ सेक्टर्स लगते हैं और एक साइड पे जी लगते हैं ठीक है। तो F6, F7, F8 जो है वो एक साइड ऑफ द ब्लू एरिया है एंड G6, G7, G8 जो है वो ऑन द अदर साइड। अब क्योंकि ब्लू एरिया बढ़ गया है, न्यू ब्लू एरिया जो है उसके लेफ्ट के ऊपर जो है वो बेसिकली आता है G9 आता है, हाँ G10 तक, G10 जो है वो फिर आगे से जाके शुरू होता है, उसका इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ, टॉप सिटी जो है, टॉप सिटी का कमर्शियल जो है बिल्कुल भी नहीं चल रहा था। उसका रीज़न क्या था कि उधर जाके कोई रहता नहीं था, उधर पानी का मसला है। अब लोगों ने वहाँ पे जाके रहना शुरू किया है तो ऑटोमेटिकली, क्योंकि जहाँ पे लोग होते हैं वहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटीज़ जो हैं वो इंक्रीज़ होती हैं। तो द रीज़न इज़ कि कमर्शियल और रेजिडेंशियल जो एक दूसरे की प्राइस को सपोर्ट कर रहे होते हैं, वो रेजिडेंशियल कमर्शियल को ज़्यादा सपोर्ट कर रही होती है इन कंपैरिजन कमर्शियल रेजिडेंशियल को सपोर्ट कर रही है। कमर्शियल जैसे आपने अभी बात की है ना, क्योंकि जो भी रेजिडेंशियल वहाँ पे रहते हैं ना अपार्टमेंट में या कहीं पे भी कमर्शियल के आसपास जो रेजिडेंशियल एरिया होता है, ऑटोमेटिकली उनकी नीड्स क्या होती है। मैं तुम्हारी बात काटूंगा, ये वाले घर देखो यार, ये मारगला रोड के F63 वाले घर हैं ठीक है, ऐसे ही है। ये सारे घर जो है ना आज से 10 साल पहले अगर भी बात करता था ना तो ये घर होते थे 20-30 करोड़ रुपए का, 40 करोड़ रुपए का, इस किस्म के चल रहे होते। राइट साइड पे सर इसका व्यू देखें, व्यू कितना जबरदस्त है, मारगला फेसिंग है ना, वही ना। अगर यहाँ पे घर हो सुबह उठे बंदा बालकनी में ठीक है और एक एक कप चाय पी रहा हो बालकनी में मारगला का व्यू लेते हुए। नहीं मारगला के घर जो है ना वो मारगला रोड मेरे अंदाजे में इस्लामाबाद की एंड इवन नॉट कंपैरिजन विद लाहौर और कराची, लाहौर एंड कराची में बहुत महंगी महंगी प्रॉपर्टीज हो गई हैं, बट मारगला रोड हैज़ बीन द प्रॉपर्टी जो कि बहुत एक्सपेंसिव भी है एंड वैल्यू फॉर मनी है। मतलब इफ़ यू आस्क मी कि आपने अगर 1 अरब रुपए का घर लेना है तो आप जाके DHA लाहौर में 1 अरब का घर बनाएंगे या गुलबर्ग ग्रीन में 1 अरब रुपए का घर लेंगे, तो आई विल प्रेफर मारगला रोड एनी टाइम। और यहाँ पे तो अब प्रॉपर्टी मिलती भी नहीं है फ्रेंकली स्पीकिंग, मारगला में जो घर आता है ना वो घर आते ही चला जाता है। ऐसे ही है।
तो इट्स समथिंग दैट दैट कैन बी लाइक वो ये बहुत ही नीश किस्म की अब रियल इस्टेट हो गई है. एंड ऑब्वियसली यार ये मौसम आपको पूरे पाकिस्तान के बीच में जो इस्लामाबाद का मौसम है और ये जो इस्लामाबाद की इन्वायरमेंट है जितना नेचुरल ये सारा कुछ है ये यू कांट कंपेयर इट विद एनी सिटी इन पाकिस्तान. ऐसे ही है इस्लामाबाद को अगर हम कंपेयर करते हैं. सो मारगला रोड में भी जिस तरह के एक्स लगे हैं इन द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स उन सारी चीज़ों के जब मैं प्राइसेस देखता हूँ तो आई एम अनएबल टू अंडरस्टैंड कि लोग कहते हैं कि भाई प्रॉपर्टी की वैल्यू ख़राब हुई हुई है विच इज़ नॉट द केस. जो राइट और लेफ्ट तो बेसिकली मैंने बताया था ना कि एफ सेक्टर्स और जी सेक्टर्स हैं. अच्छा ब्लू एरिया के दरमियान में से इस तरह दो एवेन्यूज भी जा रही हैं. ये सेवन्थ एवेन्यू है ठीक है. सेवन्थ एवेन्यू जो है ये बना था 2006-07 में ये रोड बनी थी ठीक है. और ये रोड जो है मारगला रोड को कनेक्ट करती है ऑल द वे टू कश्मीर हाईवे सिग्नल फ्री ठीक है. अब दूसरी जो है वो बनी है 9th एवेन्यू एंड द थर्ड वन इज गोइंग टू बी 10th एवेन्यू. 10th है कि 11th एवेन्यू है जो कि E11 के पास जाके बन रही है. तो इस लिहाज से मेरे अंदाजे में इंफ्रास्ट्रक्चर रोड का जितना भी आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है इस्लामाबाद का वो दैट्स अनमैचेबल विद एनी सिटी इन पाकिस्तान. ठीक है DHA लाहौर इज़ अ वेरी गुड प्लेस टू लिव. वहाँ की रोड्स वगैरह भी अच्छी हैं बट ऑब्वियसली यार जो जैसे जैसे सिटीज़ एज करती हैं अब इस्लामाबाद जितना पुराना शहर और जितनी ग्रीनरी इस्लामाबाद में है वो यू कांट कंपेयर इट विद एनी अदर सिटी इन पाकिस्तान. इस्लामाबाद का डिसिप्लिन है. अलियान तुम प्राइस का पूछ रहे थे ना कि कितने पे लिया और कितने पे बेचा. 2014 में F73 में डेढ़ कनाल एक डेढ़ कनाल का घर न्यू कंस्ट्रक्शन जो है used to cost 15 करोड़ पे 14 करोड़ पे का घर मिलता था. F73 की बात कर रहा हूँ. बहुत महंगा सेक्टर है F73 ठीक है. यार आज 25-30 से नीचे नहीं मिलेगा वो घर. चाहे वो क्लॉक वाले से कुछ है कि नहीं है लाइट ऑन किया नीचे कर दे वो बिल बिछा है. चाचा पहले किसी ने ऑर्डर दिया कि नहीं दिया. नहीं सर हमारे से पहले कोई ऑर्डर नहीं हुआ. पहले किसी ने नहीं दिया सर. कोई ऑर्डर हमारे से पहले नहीं हुआ. ओ नो जो सीधे चले ठीक है अभी मिल जाएगा. एक समोसे एक मक्खन वाली कढ़ाई पकोड़े टाइप चीजें इस तरह कुछ मिलेगा. बताओ क्या खाओगे. समोसे टाइप तो नहीं खाएंगे. चले जी आज का रिव्यू खत्म करते हैं. आई होप कि हम लोगों ने जितनी इंफॉर्मेशन अबाउट इस्लामाबाद दे सकते थे वो दे दी है.